वंस अगेन हेलो एंड नमस्कार भाई लोग, मैं हूं तिन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं टुडे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया धमाकेदार और एडवेंचर ब्लॉग हम आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहेंगे, बिकॉज आज हम लोग पहुंच गए हैं चांदा हांडी से समीप 20-25 किलोमीटर दूरी पर हैरा घूमर करके एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक जो है वाटरफॉल है, जो अभी हम कुछ ही टाइम के बाद आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब और चुनौतीपूर्ण रहा है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितने मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारा मोटो ब्लॉग है, मैंने आप लोग को बताया पिछले वीडियो पर, तो उसके जरिए आप लोग आ सकते हैं। अभी हम लोग जो है भैरा घूमर का जो चढ़ाई है इस पहाड़ को हम लोग चढ़ेंगे, देन उसके बाद जो अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि अभी ना हम लोग भैरा घूमर के जस्ट सामने हैं, जो मेरे पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं उसी पहाड़ी के अंदर में है बाइक हमें, और यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे जो है बाइक नहीं जाएगी, बिकॉज क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है। देख सकते हैं सारे बाइक हमने स्टैंड बाई कर दिए हैं और सब पानी एक बोतल में रखी है, चलो बढ़िया है, डब्बा में बोतल में नहीं, सॉरी। वाओ गाइस देखिए, ऊपर पहाड़ी है, नीचे है ये पक्का हुआ धान, फसल पूरी तरह से पक गया है, अभी कुछ ही टाइम के बाद इसका कटाई शुरू हो जाएगा। पहाड़ी देख रहे हैं ऊपर, ठीक ना, उसके बाद वहाँ पर मिलेगा हमको भैरा घूमर जो वाटरफॉल, जिसको लेके हमने इतनी तैयारी और इतनी मशक्कत करने के बाद इस जगह पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग जा रहे हैं और मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग भैरा घूमर मतलब जंगल के अंदर में है, तो पैदल ही चल रहे हैं। अभी जो गाड़ी हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से कम 2.5 से 3 किलोमीटर हो गया अपन, फिर भी जो है वहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब एडवेंचर वाली जगह है ये जगह भैरा घूमर। तो आप अकेला तो बिल्कुल मत आइए, और अकेला आने का जगह भी नहीं है ये, आएँगे तो ग्रुप में ही आएँगे, ठीक है भाई। ये चीज़ तो आप नोटिस करके रखिएगा जब भी अगर आप भैरा घूमर आने का विचार रखते हैं। तो यहाँ से हमको पथरीला रास्ता मिला है, ठीक है, तो अभी हमको पथरीला रास्ता से होकर हमको आगे आगे और गुजरना है, क्योंकि मतलब यहाँ आने के बाद एडवेंचर तो है और चुनौती भी काफ़ी बड़ी बड़ी। जब से शुरू से हम यहाँ का जो सफ़र है स्टार्ट किए हैं तब से हमें काफ़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और जंगल में जब आएंगे तो इस तरह का चुनौतियाँ आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है भाई, देख सकते हैं कितना खतरा मोल लेके हम लोग आप लोगों को भैरा घूमर वाटरफॉल दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक तो बनता है यार, तो जरूर से लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से कीजिए। चलिए ओके भाई लोग, पहुंच गए हैं हम लोग, देख सकते हैं मेरे पीछे जो बड़ा और भव्य सा बड़ा सा झरना है जिसका नाम है भैरा घूमर, जो कि चंदा हांडी से करीब करीब 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग को मिल जाएगा। बट यहां तक आने का जो मतलब समस्या है बहुत बड़ा चुनौती है, आप लोग अकेला तो बिल्कुल मत आइएगा। भैरा घूमर झरना काफ़ी बड़ा झरना है, इसके पीछे आप लोग इसके आगे पीछे देख सकते हैं ऊपर नीचे पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो चलिए अपना जो मैं बैक कैमरा को ओपन करता हूँ और आप लोग को ये जो झरना है भैरा घूमर झरना है उसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो लो भाई आ गए हम लोग भैरा घूमर वाटरफॉल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पानी है काफ़ी ऊपर से गिर रही है दोस्तों,
अगर अनुमानिक हम बताने लगे तो 300-350 फीट करीब करीब वहीं से पानी गिर रही है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप है भैरा घुमर झरना का, एंड उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना नीचे पानी गिर रही है भाई। तो बहुत ऊपर से पानी गिर रही है दोस्तों यहाँ पर, और काफ़ी जो दूर दूर से लोग भी आए हैं, सैलानी आए हैं जो कि इस भैरा घुमर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज भी हम भी टुडे ब्लॉग्स के चैनल इस जगह पर आए हैं भैरा घुमर का वाटरफॉल को, तो देख के काफ़ी ज़बरदस्त लगा इस झरना को, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो चलिए हम लोग नज़दीकी से जाते हैं और ये जो भैरा घुमर वाटरफॉल है उसको हम कुछ एक्सप्लोज जो शॉट है वो शॉट हम आप लोगों को दिखा सकें, जैसे कि सिनेमेटिक शॉट वगैरह है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा सामने चलते हैं एंड उसके बाद ये जो झरना है उसको हम बारीकी से हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो हमारे ग्रुप है कुछ सेल्फी वेल्फी क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सब ग्रुप के मेम्बर हैं यहाँ पर मौज मस्ती करने लगे आने के बाद। और ये घूमर जलप्रपात है यार, जिसकी जितनी तारीफ करे उतना काम है मेरे भाई। भैरा घूमर नाम के है जलप्रपात, और इस जलप्रपात की मतलब एक मिसाल है भाई लोग, ठीक है ना। जितनी तारीफ करी उतना कम है, काफ़ी ऊपर से पानी गिर रही है और नीचे देख सकते हैं आप लोग उसका बहाव है काफ़ी तेज़ है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो आप ज़रूर से आइए विजिट कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और फुल एक्सप्लोरिंग जगह है और एडवेंचर से भरी हुई जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो चारों साइड बड़े बड़े पत्थर से घिरी हुई है, यह पत्थर के बीच में से ये झरना बनी है भैरा घुमर झरना, जो कि काफ़ी यूनिक है भाई, सबसे अलग है, ज़बरदस्त है, ख़ास है। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे 100 किलोमीटर आसपास में भी ऐसे झरना है, देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे आपके गांव इलाके में भी ऐसा कोई झरना है क्या, तो ज़रूर नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा दोस्तों। तो ओके चलिए भाई लोग अब हम लोग चलते हैं सामने, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये भैरा घुमर वाटरफॉल का नज़दीकी से कुछ सिनेमेटिक शॉट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उम्मीद करूँगा जो अभी मैं आप लोगों को जो सीन दिखाऊंगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं और उसके बाद ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या, और देन वीडियो पर बने रहेगा आप लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वाटरफॉल की तो जितनी तारीफ करें उतने कम है, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हैं भैरा घुमर वाटरफॉल देखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 2:30 बज गए हैं और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है दोस्तों। तो हमने सोचा कि दोस्तों के साथ जो लंच हम लोग लेके आए थे, टिफिन भूल सकते हो आप लोग, तो उसको हम यहाँ पर कुछ पेट पूजा वगैरह कर लेते हैं, देन उसके बाद जो ब्लॉग वाला काम है उसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत भूख लग रहा है यार, तो चलिए ग्रुप में पहली बार हम कुछ आप लोगों को खिलाते हैं। और दोस्त लोगों ने ये खाने का व्यवस्था की है, आप लोग भी देख सकते हैं आप भी हमारे खाने में शामिल हो आज। आप देखते हैं जो मतलब नाश्ता पानी हम लोग सुबह से कर सकते हैं, कुछ नहीं खाए तो अभी दोस्त के साथ बैठे थे तो ऐसा कुछ नहीं, तो चलिए कुछ खाना खा लेते हैं। ओ भाई क्या जबरदस्त है झरना है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, कूलर जैसे लग रहा है भाई। और ये हमारे टीम के मेम्बर लोग देख सकते हैं कितने मौज मस्ती मूड में है। और पानी तो ऐसे ज़्यादा गहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी है प्रकृति का सुंदर संरचना है यार, जितनी तारीफ करें उतनी कम है यार, क्या बताऊँ। ये बाहुबली झरना के नाम से भी जानते हैं भाई इसको। अगर हम इस झरना की बात करें तो पहला वहीं से आता है, फिर दो स्टेप होता है, फिर वहीं से पानी नीचे गिरती है 3 स्टेप, फिर तीसरा से जो पानी है नीचे गिरती है 4 स्टेप, तीसरा से 4 स्टेप। ये जो मोबाइल का कैमरा में मतलब ना यार ज़्यादा उतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, लेकिन आप आएँगे तो काफ़ी ऊपर हाइट है, कम से कम मैंने बता रखा है आप लोग को 300 मीटर के झरना है भाई, खाली ज़बरदस्त है।
कौशम जगह भी आने के बाद क्या कैसा लग रहा अभी आप यहाँ आने जगह के बाद? तो यहाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले आ सकते हो, फैमिली के लायक के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, काफ़ी बहुत पत्थर है, पत्थर से बहुत आना पड़ता है, और इसमें रोड है अगर तो रोड अगर बन जाता है तो हम दरख्वास्त करते हैं कि जगह बहुत अच्छी है, इसके लिए रोड बनना चाहिए, क्योंकि पिकनिक के लिए भी ठीक है, यहाँ बहुत साधन है, बहुत बेहतरीन जगह है, चारों साइड पूरा पत्थर ही पत्थर है। तो ओवरऑल भैराघूमर जो वाटरफॉल है एडवेंचर है और नेचुरल प्लेस है, और इसकी मतलब प्राकृतिक सुंदरता चारों साइड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पत्थर का बनावट है, एक से ऊपर एक से पत्थर ऐसे बना है कि जैसे किसी ने रखा हो, और इतना सुंदर इसका डिजाइन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। नेचुरल में वो ताकत है, वो चीज़ है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखिए चारों साइड पहाड़ी है और बीच में एक छोटा सा मतलब गैप है, छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा गैप है, और वहाँ में कम से कम 4 से 5 धारा बहती है, और नीचे सभी धारा मिलकर एक धारा बनती है, और नीचे जल गिरती है, जिसके नाम से इस जगह का नाम जो है भैराघूमर वाटरफॉल के नाम से जाता है। और घूमर का एक अर्थ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो घूमर है मतलब चारों साइड एक कंदरा जैसी है मतलब कि, और बीच में गैप है, इसी की वजह से मतलब जहाँ पे पानी निकलती है, और इसी के नाम से जो है घूमर स्थानीय भाषा में बोलते हैं, और इसी के नाम से इस जगह का नाम जो है भैराघूमर नाम पड़ा है। और जैसे कि आज के डेट में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के चलते इस जगह को जो है घूमर जो जलप्रपात है, भैराघूमर जलप्रपात है, इसको मतलब उड़ीसा का बाहुबली जलप्रपात भी बोलते हैं, मतलब इस इलाके के चंदाहांडी इलाके के बाहुबली जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं भाई, तो एक अच्छा है। जो भैराघूमर जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है पहाड़ी, देखो आप काफ़ी ऊपर से जो पानी गिर रही है नीचे, और नीचे गहरी खाई भी है, ठीक है ना, और उधर गुफा जैसा भी है, लेकिन जाने का सुविधा नहीं है, जिस वजह से हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते। यहाँ पत्थर देख सकते हैं, चारों साइड पत्थर है, पत्थरों से घिरी हुई है यह झरना, और प्रकृति सुंदर नज़ारे तो है, जैसे आप लोग शॉर्ट मूवी वगैरह बनाते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया सा सीनरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं क्या बताऊँ आप लोग, जंगल है यार, चारों साइड जंगल है, घना जंगल है, तो जंगलों से आपको लगाव है, नेचर से लगाव है, तो डेफिनेटली आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऑसम प्लेसेस है, और इसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है इस वाटरफॉल का। थिफाखोल के वाटरफॉल के बाद अगर मैं दूसरे नंबर पर किसी को देना चाहूँगा तो इस भैराघूमर वाटरफॉल को मैं देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो भैराघूमर जलप्रपात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो गाड़ी है 3-4 किलोमीटर बाहर रखना पड़ेगा। 3-4 किलोमीटर पूरा घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है, चारों साइड खतरा है भाई, तो अकेला तो चलिए हम लोग हैं अभी बाहुबली झरना के नाम से जाने जाने वाली भैराघूमर जलप्रपात, और हमारे साथ टूडे प्लस यूट्यूब चैनल के साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं। तो चलिए इन भाई लोगों से एक्सपीरियंस है कि थोड़े से जान लेते हैं कि यहाँ आने के बाद उनको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों की कमी है इस जगह पे, तो गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है, उड़ीसा गवर्नमेंट से, कि इस जगह को एज ए पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जाए, और साथ में बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ हैं, सुविधाओं की कमी है इस जगह पर, तो थोड़ा सा हम लोग हमारे भाई लोगों से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस जगह को लेकर। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा समस्या है कि रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मैनपुर गलिया को सबसे बड़ा दिक्कत, बहुत दूर 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 से लोग यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। आने में जितना प्रॉब्लम हुआ ना, उससे ज़्यादा मज़ा आने के बाद हुआ, इतना मज़ा, इतना मज़ा बता नहीं सकता। टॉयलेट तो ये है हमारे ग्रुप भाई, मिल लो। तो आज हमारा जो वीडियो है इसको एंड करने का वक्त आ गया है, तो चलिए और कुछ बोलोगे आप लोग? एक बार आओ, मज़ा ही मज़ा, बहुत मज़ा है, जरूर आएंगे, मज़ा आएगा, दिल जो जाएगा, जो भी आएगा दिल जीत जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा भाई लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, चलो।